गाइज मैंने यूट्यूब के ऊपर एक प्रोजेक्टर देखा। वैसे हमने हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्टर बना रखे, आपने उनको अच्छा खासा देखा भी है, लेकिन मैंने यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्टर देखा जिसके अंदर जो है इस तरीके का पुराना जो कीपैड वाला फ़ोन होता है इसका, और उसके साथ साथ ये जो इस तरीके का LED बल्ब होता है इसका, इन दो चीज़ों का यूज़ करके एक प्रोजेक्टर बना के दिखा दिया है। और उसके ऊपर करीब करीब 1.8 करोड़, मतलब 18 मिलियन व्यू है, इतना ज़्यादा व्यू उस प्रोजेक्टर के ऊपर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी प्रोजेक्टर को बनाने की ट्राई करने वाले हैं, और आपको इसकी जो सच्चाई है, क्या ये सच में वर्क करता है, कितनी क्लियरिटी है, कितना वर्क करता है, अच्छा है बुरा है, आपको बनाना चाहिए या नहीं, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका पैसा बर्बाद ना हो इसके अंदर, या फिर अगर बनने लायक होगा, अच्छे से वर्क कर रहा होगा, या फिर कोई रिस्क होंगी, तो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो अब यहाँ पे हम वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज यार, वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी इस प्रोजेक्टर के अंदर हो जाने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब चलते हैं हमारे इस प्रोजेक्टर की मेकिंग की ओर। तो गाइज इस प्रोजेक्टर को बनाने के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि एक LED बल्ब और एक पुराना कीपैड वाला मोबाइल लगने वाला है, तो यहाँ पे मैंने एक LED बल्ब ले लिया है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये 7 वाट का है, तो ये 7 वाट का ही लिया है। आप 5 वाट का मत लीजिएगा, 3 वाट का मत लीजिएगा, जो भी 7 वाट का है या फिर इसके ऊपर का लीजिएगा, क्योंकि बल्ब का जितना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा उतना ही अपना जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छा आएगा और उसके अंदर ब्राइटनेस मिलेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वाट का लेने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो है ड्राइवर वाला हाई क्वालिटी का अच्छा बल्ब है, इसके अंदर जो DUV वाला आता है वो काफ़ी कम लाइट देता है, तो आप DUV वाला भी यूज़ मत करना, ड्राइवर वाला ही यूज़ करना। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर की ये जो डिफ्यूज़र है उसको हमें खोल लेना है। ये काफ़ी आसानी से कुछ इस तरीके से घुमाने के बाद इस तरीके से खुल जाता है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, मतलब थोड़ा टाइट ही लग चुका है। तो देखो इस तरीके से ये डिफ्यूज़र यहाँ पे खुल जाता है और उसके अंदर कुछ इस तरीके का होता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इस डिफ्यूज़र का कोई भी काम नहीं है, लेकिन इसको हम संभाल के रख देंगे, जिससे कि फ्यूचर में कभी कोई काम पड़ा तो इसको लगा लेंगे वापस। तो गाइस अब इसके सामने की साइड में हमें एक फोकस तरीके का एक रिफ्रेक्टर टाइप का बनाना पड़ेगा, जैसे हमारे टॉर्च के अंदर रहता, जिससे कि जो इसकी लाइट है वो अगर हम इसको ऐसा जलाएंगे तो फैलती हुई पड़ेगी, लेकिन हमको इसको एक बीम की तरह, एक रिफ्लेक्टेड बीम की तरह पहुँचानी है, तो इसलिए यहाँ पे एक रिफ्रेक्टर बनाना पड़ेगा। तो रिफ्रेक्टर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये देखो इस तरीके का। तो इसको मैंने कैसे बनाया है वो तो आपको पता ही होगा, ये इस तरीके का एक फनल टाइप का शेप मैंने कार्डबोर्ड से बना लिया है, आप देख ही सकते हो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है, और इसकी अंदर की साइड से एक रिफ्लेक्टिव शाइनी फिल्म आपको लगी हुई दिख रही होगी। तो ये कुछ और नहीं, सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल है जिसको मैंने फेविकॉल से चिपकाया है। लेकिन अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप जो 5 रुपये की कोई भी चिप्स की, कुरकुरा की जो पैकेट आता है उसको अंदर की साइड से देखोगे तो वो भी इसी से भी ज़्यादा शाइनी होता है, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो। बस आपको एक ऐसा फनल टाइप का कार्डबोर्ड का बना लेना है स्क्वायर, और अब इसको जो है सिंपली हमें इस LED के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देना है, जिससे कि लाइट सामने की साइड में जाए। तो चलो इसको यहाँ पे ग्लू गन से हम अच्छे से चिपका लेते हैं। तो गाइज ये बल्ब के सामने जो रिफ्लेक्टर था वो कुछ इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे ग्लू गन से हमने चिपका दिया है, और आप देख सकते हो कि बीच में से LED दिख रहे हैं, और इसको मैंने चालू करके मैंने कहा काफी सही से ये फोकस ले रहा है। तो गाइज अब आपको यहाँ पे लेना है एक इस तरीके का कोई भी कीपैड वाला मोबाइल। कीपैड वाला मोबाइल इसका मतलब ये ना समझो आप कहीं कि नोकिया 1600 नोकिया 1200 उठा के लेकर आ गए, आपको कीपैड वाला वही फ़ोन लेना है जिसके अंदर वीडियो चल सके, और जिसके वीडियो चल सके इसका आसान सा मतलब है कि उसको पीछे की साइड में कैमरा होना चाहिए, वरना ये जो है इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं बैठेगी तो आप वीडियो देखोगे ही क्या, क्या पिक्चर देखोगे। तो इसलिए आपको मेमोरी कार्ड वाला ही मोबाइल लेना है। तो चलो सबसे पहले तो इसको खोलना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चलो इसको यहाँ से खोल लेते, इसका देखो पिछला जो पार्ट है इसको कुछ इस तरीके से खोल लेते, और अब इसके अंदर आपको बैटरी नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी जो कि मैंने निकाल दी है। तो अब यहाँ पे हमें इसके जो स्क्रू है, काफ़ी सारे स्क्रू दिए रखे हैं रे बाबा, तो चलो इसको जो है स्क्रू को खोल लेते और इसको यहाँ से ओपन कर लेते। पूरा नया का नया मोबाइल पीस है यहाँ पे, इसका जो स्क्रू है वो भी अभी तक वारंटी का नहीं निकला है, हमारे हाथ से ही खुल रहा है, हमारे शुभ हस्ते से ही। तो चलो इसको भी खोल लेते हैं यहाँ पे।
तो गाइज ये आ गया हमारे हाथ में जो मोबाइल का मदरबोर्ड है, पूरा का पूरा सिस्टम। ये रहा स्पीकर, ये रहा एकदम नन्ना मुन्ना छोटू सा रही वाला कैमरा, ये रहा उसका टॉर्च। और अब हमें इस प्रोजेक्टर के लिए इसके खास करके डिस्प्ले और पूरे सिस्टम की ज़रूरत है। वैसे इस टॉर्च की, कैमरा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रहने देते हैं। आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाना ब्लूटूथ वाले, या फिर यहाँ पे जो ऑक्स वाली केबल कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जो है होम थिएटर लगा सकते हो। तो चलो अब यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले इसके डिस्प्ले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो पत्ती ये कुछ लगा हुआ है, इसको पहले तो हम उखाड़ के फेंक देते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये एक निकाल दिया। और अब ये जो डिस्प्ले, इसको भी हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना है। तो इसके ऊपर की ये जो लेयर्स है इनको हमें हटाना है, सिर्फ और सिर्फ जो कांच है उसको रखना है। तो आप देखते चलो कौन कौन सी लेयर को मैं यहाँ पे हटाते चलता हूँ। तो ये इसकी जो बॉडी की फ्रेम थी वो भी निकल चुकी है, इसको भी निकाल देना है। उसके बाद ये जो एक पेपर बचा हुआ है इसको भी निकाल देना है। तो चलो इस ग्लास को भी यहाँ पे हटा देते हैं। इस ग्लास का भी कोई काम नहीं है, वैसे पोलराइजर वगैरह रहता है कुछ, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो अब ये जो लास्ट वाली फिल्म बची है इसको भी हमें निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का जो ग्लास है उसको हमें रखना है। तो देखो ये फिल्म भी निकल चुकी, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाली फिल्म है, शायद देखते हैं कितने ज़्यादा फिल्म लगा रखी है इन लोगों ने भाई। तो चलो उसको भी यहाँ पे जो है हटा देते हैं। तो हट नहीं रहा है, चिपका हुआ है, लेकिन मैं हटा देता हूँ। तो बस गाइज अब निकल चुका है सब कुछ। ये जो है ये हमारी लास्ट वाली फिल्म है। आप देख सकते हो कि ये जो ग्लास है इसको हमें रखना है, और इसमें से आप जो है आर पार देख सकते हो, यहाँ से ठीक से आपको दिख रहा होगा। तो ये जो काला वाला ग्लास है यही हमारे इस मेन काम का है। तो चलो इसको भी यहाँ से जो है कट कर लेते हैं। ये जो है बैक लाइट वाला सिस्टम है, तो इसको भी यहाँ से उखाड़ देते। और अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको सिर्फ और सिर्फ लाइट के सामने चिपकाना बाकी है। तो गाइज ये इस तरीके का इतना हो जाने के बाद, अब ये जो हमने बल्ब बनाया था इसके ऊपर, हमें इस बल्ब के ऊपर ये जो डिस्प्ले इसको बिल्कुल बीचों बीच चिपका देना है। तो इसको जो है मैं ग्लू गन से चिपका देता हूँ, और उसको जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड से जो है टेप से भी, अगर कभी ग्लू गन से नहीं चिपका तो टेप से कवर करना पड़ा तो थोड़ा सा टेप से भी कवर कर दूंगा। तो चलो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं पहले। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डिस्प्ले चिपका दिया है, और डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे जो है ब्लैक टेप लगाए हैं। आपको भी ब्लैक टेप ही लगाना है, क्योंकि इसमें से जो लाइट है वो यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो भी लाइट निकलेगा वो पूरा का पूरा हमारा इस डिस्प्ले से ही पार होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने पेपर टेप लगाया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड में एल्यूमिनियम रहता है, तो जिसके ऊपर हमने जो हॉट ग्लू लगाया था वो अच्छे से चिपक नहीं पा रहा था, निकल जा रहा था। तो इसलिए मैंने हॉट ग्लू को भी मजबूत कर दिया, और उसके ऊपर जो है पेपर टेप भी लगा दिया। और अब ये पूरा का पूरा मजबूत हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा लेते हैं साइड में, और अब यहाँ पे आपको लेना है इस तरीके का कोई भी प्लाईवुड का टुकड़ा, एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा, या फिर कोई भी टुकड़ा। और इसके जो चारों ओर को मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए जो टेप आता है, इलेक्ट्रिक टेप, उसको लगा दिया है। तो अब हमें ये जो है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिपकाना है। तो चलो जरा सा चिपका लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का रह रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लकड़े का टुकड़ा या फिर कार्डबोर्ड का टुकड़ा हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो चिपका के हम इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा इस तरीके का जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इसको पावर देने की बारी बाकी है, और यहाँ पे लेंस वाला पार्ट जो है वो लगाने की बारी है। तो चलो अब इसका जो पावर का इंतजाम कर लेते हैं। तो इसको पावर देने के लिए आप जो है इस तरीके की जो इसकी ही मोबाइल की बैटरी रहती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये इसी मोबाइल की बैटरी है, मतलब नोकिया कंपनी की है, लेकिन इसके टर्मिनल और इसकी जो पॉइंट है वो सेम है। तो इस तरीके की बैटरी को भी आप वायर सोल्डर करके यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर इस तरीके का जो लिथियम आयन सेल आता है 18650, इससे भी चल जाएगा, क्योंकि ये भी 4.2 वोल्ट का ही होता है, और जो बैटरी है वो भी 4.2 वोल्ट की, लेकिन 3.7 वोल्ट लिखा हुआ होता है, मिनिमम 3.7 वोल्ट होता है। और ये जो है इसके ऊपर भी 3.7 वोल्ट ही होता है, लेकिन फुल चार्ज पे 4.2 आता है, वो बात अलग है। तो अब हम इसको जो है इस तरीके की कोई भी वायर लेंगे, और यहाँ पे जो है सोल्डर कर देंगे इसके जो टर्मिनल है इनके साथ,
और इस साइड में बैटरी सोल्डर कर देंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव निगेटिव का काफ़ी ख्याल रखना है। अगर आप एक बार भी गलत वायरिंग कर देते हो, निगेटिव की जगह पॉजिटिव लग जाता है, तो आपका पूरा मोबाइल उड़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और पॉजिटिव निगेटिव सही से कनेक्ट करना है। तो चलो अभी आप ही ये दो वायरें जो है सोल्डर कर लेते। तो गाइज इस तरीके से हमने वायर को सोल्डर कर दिया। ये जो ग्रीन वाला वायर था वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ दिख जाएगा आपको डीसी पॉजिटिव निगेटिव, वही यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर वाला पॉजिटिव और लास्ट वाला जो है निगेटिव है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो दोनों वायर है इसको बल्ब के नीचे की साइड से यहाँ पे ले आते और ये जो बैटरी है इसको यहाँ पे चिपका देंगे और इसकी जो पॉजिटिव निगेटिव है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये ब्लू वाला निगेटिव है तो इसको निगेटिव की साइड में यहाँ पे बैटरी पे भी लिखा हुआ है, और जो ये ग्रीन वाला पॉजिटिव है तो इसको ऊपर की साइड में ऐसे यहाँ पे सोल्डर कर लेते और इसको यहाँ पे कुछ ऐसा चिपका देते। तो गाइज इतना सब कुछ हो चुका है, मैंने बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव भी चिपका दिए और ये जो बैटरी है उसको ग्लूगन से यहाँ पे नीचे की साइड में चिपका दिया है। अब अगर आप इसको पलटोगे भी तो कुछ भी इसका नहीं गिरने वाला है, एक अच्छे से ये सेटअप हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ लेंस का पार्ट बाकी है, तो चलो लेंस भी बना लेते हैं इसकी। गाइज अगर आप भी मेरी तरह ऐसे जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टूल्स है उनकी और स्पेशली जो सोल्डरिंग आयन है उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती होगी। और अगर आप अदर वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो जो सोल्डरिंग आयन है वो काफ़ी महंगी मिलती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आपको ये जो सारे टूल्स है आधे से भी कम दाम में मिलने वाले। तो चलो उस वेबसाइट के बारे में और उस थोड़ा से एक उसके ऊपर के कुछ जो प्रोडक्ट्स है उनको देख लेते हैं। तो गाइज मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा था उस वेबसाइट का नाम है यम केयर, और वहाँ से मैंने ये जो सोल्डरिंग आयन है उसको खरीदा है मात्र 299 रुपीज़ के अंदर। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसका प्राइस, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके फीचर स्पेसिफिकेशन क्या है। तो देखो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो देखो एम केयर की वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखती है और इसके ऊपर जो है ये वाली सोल्डरिंग आयन हमने ली है। तो आप खुद देख सकते हो कि इसका प्राइस यहाँ पे कितना ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 299 है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है वो देखने से अच्छे तो हम इस ओरिजिनल सोल्डरिंग आयन के ही देख ले। तो आपने प्राइस तो नोट कर लिया कितना प्राइस है इसका। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सोल्डरिंग आयन है इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो देखो ये जो सोल्डरिंग आयन है, सबसे पहली बात तो इस सोल्डरिंग आयन की जो वायर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और इतने कम रुपीज़ के अंदर इसके अंदर यहाँ पे जो है टेम्परेचर कंट्रोल का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमें टोटल 5 बिट एक्स्ट्रा के भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके की सोल्डरिंग आयन या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपको इस वेबसाइट से खरीदना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाओ और खुद एक बार प्राइस जो है उनको कंपेयर करके देखो, अगर आपको सही प्राइस लगे, कम लगे तो ही खरीदना, लेकिन कम प्राइस के अंदर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल रही है। तो एक बार उस वेबसाइट के ऊपर जाके जरूर चेकआउट करना, वेबसाइट का नाम है MKR। तो चलो गाइज अब आते हैं फिर से हमारे प्रोजेक्टर के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर के लिए जो लेंस है उसका पार्ट बनाना पड़ेगा। अब फिलहाल इसकी थोड़े देर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको फिलहाल साइड में रख देते। और अब आपको यहाँ पर एक इस तरीके का कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है और उसके साथ साथ एक इस तरीके का लेंस ले लेना है। ये जो है कॉन्वेक्स वाला लेंस है, अगर आप ऐसा खरीदने जाओगे तो काफ़ी महंगा मिलता है। लेकिन अगर आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है उसको खरीदते हो, मैग्नीफायर तो डिसेक्शन बॉक्स वगैरह के अंदर आता है, तो उसके अंदर से ये मैंने निकाला है, काफ़ी चीप में पड़ गया था मात्र 15 रुपये के अंदर। तो आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो अगर आप इसको खरीदना नहीं चाहते। तो मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट प्रोजेक्टर की लेंस बना दी है, तो आप उनमें की कोई भी लेंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलो अब इसको यहाँ पे रखते और यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेते और यहाँ से कट कर लेते। तो गाइज अब यहाँ से इसको हमें कट कर लेना है क्योंकि इतना लंबा तो इसको नहीं छोड़ना है। तो चलो इसको यहाँ से हम कट कर लेते। तो गाइज अब इसको नीचे से बेस भी लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सी जगह छोड़ देते और इस साइड से थोड़ा सी जगह छोड़ देते और इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते। तो गाइज अब इसको मैं यहाँ पे ग्लूगन से कुछ इस तरीके से चिपका देता हूँ और ये जो बचा वाला पार्ट है इसको यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े छोटे टुकड़े करके लगा देता हूँ, जिससे कि जो लाइट है
वो सीधा का सीधा लेंस के अंदर जाए, इधर उधर से बाहर ना निकले। तो चलो इसको मैं चिपका लेते। गाइस ये कुछ इस तरीके का हमारा जो बॉक्स है, जो भी लेंस वाला सिस्टम है, ये बन चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से ये वर्क नहीं करा तो आपको एक काम करना है कि ये जो दीवार है इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना है। मेरे पास थोड़ा कार्डबोर्ड कम था इसलिए मैंने इतने ही साइज का रखा है। तो अब हम सीधा इसकी टेस्टिंग देखते हैं। इसको जो है मैंने नीचे की साइड में इसलिए चिपकाया नहीं है क्योंकि इसका जो है फोकस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रोजेक्टर जो हम स्मार्टफोन का बनाते हैं उसके अंदर भी हमें स्मार्टफोन को आगे पीछे करना पड़ता है, जिससे कि पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होती है और उसका फोकस होता है। तो इसलिए इसको तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लेंस को आगे पीछे करने के लिए इस तरीके का ये जुगाड़ बनाया। तो इसको हम जहाँ पे सेट होएगा, जहाँ पे अच्छा फोकस आएगा, उस पॉइंट पे चिपका देंगे। तो चलो अब इसके अंदर मैं मेमोरी कार्ड वगैरह डाल लेता हूँ और इसको चालू कर लेता हूँ। आपको मोबाइल चलाना तो आता ही है, और अब इसके सीधा आपको अंधेरे में ले जाके टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं अंधेरे के अंदर आ चुका हूँ और मैंने जो बल्ब था उसके साथ होल्डर अटैच करके बल्ब को ऑन कर दिया है और मोबाइल भी ऑन है। मैं यहाँ पे एक बार आपको ये उठा के आगे की साइड से यहाँ पे मोबाइल को दिखा देता हूँ, मोबाइल के अंदर क्या दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे इस साइड में मैं इसको कर देता हूँ और आप देख सकते हो मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके का हमारा जो भी मेन्यू वगैरह है वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको शायद कैमरा में ठीक से उतना दिख नहीं रहा होगा जितना कि रियल आपको से दिख रहा है, लेकिन ये जो मेन्यू वगैरह है इनसे ज़्यादा तो जो पिछले वाले लाइट्स है एलईडीज के वही ज़्यादा चमक रहे हैं। लेकिन मोबाइल जो है वो चालू हो चुका है, ये दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। अब हम इसको सामने की साइड में दीवार के ऊपर सेट करके देख लेते कि ये कितना पिक्चर को दिखा सकता है। तो गाइस जब मैंने सामने की साइड में ये जो लेंस का सेटअप बनाया था उसको रख दिया है, और अब आप सामने की साइड में दीवार पे देखो वहाँ पे मैं इसका जो फोकस है उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी हमारा जो डिस्प्ले है उसके ऊपर मेनू का जो वो मैंने पहले दिखाया वही आइटम हमारा आ चुका है। तो देखो सामने की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कुछ एक पैटर्न दिख रहा होगा। तो ये पैटर्न जो है डिस्प्ले के अंदर का नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न दिख रहा है वो जो पीछे की साइड में जो लाइट्स लगी हुई है वो लाइट्स ही आपको सामने की साइड में दिख रही है, और कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर का दिख नहीं रहा है। और इस तरीके से अगर हम इसको फोकस भी करेंगे तो भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो एलईडी की डिस्प्ले की जो लाइट्स है वही सामने की साइड में स्क्रीन पे दिख रही है। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की, मैंने पूरा 100% देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये प्रोजेक्टर वर्क नहीं करा। इसके अंदर कुछ ऐसा ही सामने की साइड में जो आप देख सकते हो इसी तरीके का सिर्फ एक लाइट का बीम दिख रहा है और इसके सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आपको कुछ और आइडिया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन इस तरीके से जैसा वीडियो में दिखाया गया था उसी तरीके से मैंने इसको ट्राई किया, लेकिन ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, 1% भी वर्क नहीं किया। तो इसलिए गाइज यार मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके का प्रोजेक्टर ना बनाओ, क्योंकि इसमें मेरा पैसा तो बर्बाद हो ही चुका है, आपका पैसा बर्बाद ना हो। इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप इस तरीके का प्रोजेक्टर ना बनाओ, और मैंने जो आपको वेबसाइट बताई उसको डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके का कुछ और एक प्रोजेक्टर बनाने की कोशिश करूँगा, अगर वो सक्सेस होता है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।